मुरादाबाद के बर्तन बाजार स्थित गुप्ता कोटा स्टोर का नवीनीकरण होने के बाद उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि कई वर्षों से विपिन गुप्ता इस दुकान को संचालित करते हैं। भगवान की वेशभूषाओं के साथ अनेक प्रकार की वेशभूषाएं यहां पर उपलब्ध होती हैं। विपिन गुप्ता लगातार जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। विपिन गुप्ता का संस्थान अपने अंदाज के साथ जनता के बीच दिखाई देगा और एक बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयास करेगा। बुधवार को संस्थान का शुभारंभ मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक नगर विधायक की पत्नी अल्पना रितेश गुप्ता ने गुप्ता गोटा स्टोर का फीता काट कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विपिन गुप्ता को मैं बधाई देती हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ कि वो समाज सेवा के कार्यों में लगते हैं। आज उनका संस्थान एक नए अंदाज के साथ जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि भविष्य में जनता की उम्मीद पर वो खरे उतरे। भाजपा नेता और वरिष्ठ व्यापारी नेता विपिन गुप्ता ने बताया कि कोटा स्टोर पर शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है। अब गुप्ता कोटा स्टोर नए अंदाज में जनता के बीच है। आज हमारे नवीन प्रतिष्ठान गुप्ता कोटा स्टोर का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन हमारे माननीय नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी की धर्मपत्नी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अध्यक्षा श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता जी ने किया और मेरे आए हुए सभी अतिथि मेहमानों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे प्रतिष्ठान पर दिया। मैं सभी मेहमानों का हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ और नवरात्र के दिन चल रहे हैं, माता रानी सभी की रक्षा करें, सभी की मनोकामना पूरी करें और हमारे प्रतिष्ठान पर हर तरह की वैरायटी है, पोशाक माला मुकुट श्रृंगार और आदि आदि, मतलब बहुत वैरायटी है। धन्यवाद। मैं महानगर वासियों से यही अनुरोध करूँगा, सभी लोग खुश रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें।